कुछ। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं सकीना खान, सकी गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर आपके पास वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपको चंपा का पौधे के बारे में बताने आई हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये चंपा का पौधा है। देखिए दोस्तों, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसे प्लूमेरिया भी कहते हैं। ये दोस्तों कटिंग से भी लगाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए इसमें कई तरह के फूल आते हैं। ये पेड़ कई प्रकार का होता है और इसमें कई तरह के फूल भी आते हैं। जैसे कि किसी पेड़ में सफ़ेद फूल आता है, किसी में लाल आता है, तो किसी में पीला आता है, और इनके पत्ते भी अलग अलग डिजाइन के होते हैं। आपको दोस्तों दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए दोस्तों, देखिए इसके फूल भी। देखिए दोस्तों, इसके पत्ते तोड़ने से दूध जैसा पदार्थ निकलता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही जो दूध जैसा पदार्थ होता है, ये बहुत नुकसानदायक होता है। ये आसानी से हर जगह ग्रो हो जाता है। जैसे इसकी डाली मैंने तोड़ ली, तोड़ करके हम कितने भी इसके पेड़ बना सकते हैं। तो जब हम पेड़ इसके बनाएंगे तो इसके पत्ते सारे हटा देंगे। हटाने के बाद में हम अपने गमले में या कहीं ज़मीन में आसानी से लगा देंगे तो ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसमें पानी की ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत नहीं होती है। इसके फूलों में बहुत भीनी भीनी खुशबू आती है। दोस्तों देखिए, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए इसके फूल, देखो कितना प्यारा है। फूल इसके झड़ भी जाते हैं। जो इसमें डंडी होती है, उसमें जो डंडी दिखाई पड़ी है, उसमें चार पांच ऐसे गुच्छे जैसे फूल आते हैं, चार पांच खिलते हैं एक साथ। देखिए दोस्तों, ये अधिकांश मंदिरों में या पार्कों में या रोड के किनारे आपने देखे होंगे, या अपने गेट के साइड में भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों, इस पेड़ को अपने गार्डन में भी लगाएं, अपने घर में भी लगाएं। ये पेड़ बहुत प्यारा होता है। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको चंपा के पौधे के बारे में बताया। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सकी गार्डन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, और अपने सारे फ्रेंड सर्कल जो होता है सब में शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। अब आपके पास कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों मैं चलती हूँ, सब्बा खैर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।